फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन, लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो आपको पता है कि हम लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे थे, जिसका आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे पहले हम थ्री चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें कि जो सेकंड चैप्टर था वो हमने दो पार्ट्स में कवर किया था, जो कि था काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर रेफर कर लीजिए, तभी आपको जो है वो आगे के चैप्टर जो भी हम फर्दर पढ़ने वाले हैं वो समझ में आएंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके की क्लासेस प्रोवाइड करता है बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए। तो अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कोर्सेज से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है MOA, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ऐसे अगर हम पढ़ते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो हमने 11th 12th में भी पढ़ रखा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लेकिन कंपनी लॉ के थ्रू अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, कंपनी लॉ मतलब लीगली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या काम होता है कंपनी में, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो अगर आप जो प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है ना, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में, अगर वो डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ने वाला है। देख लीजिए, यहाँ पे बार बता भी देते हैं, ये लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। क्या समझ में आ रहा है इस डेफिनेशन से? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट की जो डेफिनेशन है वो एक तरीके से समझ लीजिए कि बहुत प्रोफेशनल लोगों के लिए, या फिर जैसे आपको इसका सही मीनिंग नहीं प्रोवाइड करती है। एग्जैक्टली अगर हम अपने वर्ड्स में बताएं तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जैसे हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारी कंट्री की जो भी जुडिशियल डिसीजंस हैं, जो भी जुडिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए होती हैं, यानी कि उसका अपमान नहीं होना चाहिए कोई भी डिसीज़न हम ले रहे हैं। तो उसी तरह एक कंपनी जो भी एक्टिविटीज़ करती है वो उसी स्कोप में करती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, यानी कंपनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता है हमारा MOA, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो हम दूसरी डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इट इज इट्स चार्टर। चार्टर मतलब कि कंपनी के काम को करने का, कंपनी किस हद तक जा सकती है, ठीक है, उसके स्कोप में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी की जो पावर है उसकी लिमिट कहाँ तक है, ये हमें बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसका पर्पज़ लिखा गया कि द पर्पज़ ऑफ द मेमोरेंडम इज़ टू इनेबल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड दोज हु डील विद द कंपनी टू नो वॉट इज इट्स परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइजेस। यानी अगर आपको कहीं पर भी लगता है, जैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं, या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं, या उसके साथ कोई भी तरीके की डीलिंग करने जाते हैं, तो आप ज़रूर से उसका MOA पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और अगर आपको लगता है कि आपका जो पैसा है वो कहीं गलत जगह पे यूज़ हो रहा है, यानी कंपनी ने मेमोरेंडम में जो कुछ लिख रखा है उसके बियॉन्ड जाके वो कोई भी काम करे, तो आप उस पर स्यू भी कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप उसके थ्रू जान सकते हो कि कंपनी की परमिटेड रेंज क्या है, जहाँ तक वो अपने दायरे को बढ़ा सकती है, जहाँ तक वो अपने काम को कर सकती है, ठीक है। लिखा गया दस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन विच द कंपनीज फाउंडेशन इज बेस्ड, इट डिफाइंस इट्स रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन, इसमें से कौन सा है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से डील करता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका कोई थ्योरी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर देना हो, तभी ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आपका है तो इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विच डील्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड या आउटसाइडर्स। तो हमको हमेशा MOA को ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू हैव रीड एंड अंडरस्टूड इट्स प्रोविजंस। तो ये मान लिया जाता है कि जो भी
कंपनी के साथ डील कर रहा है वो उसने पहले ही पढ़ लिया होगा MOA को, एनी एक्ट डन आउटसाइड द पावर्स गिवन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब अल्ट्रा मीन्स होता है बियॉन्ड, वायर्स मतलब होता है स्कोप, ठीक है। तो यानी अब कंपनी अपने स्कोप के बियॉन्ड जाके अगर काम करती है तो उसे हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। रेटिफाइड मतलब उसको सुधारना, तो कंपनी अगर कुछ ऐसा काम करती है तो पूरी बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स भी मिल जाएंगे तो उसको सुधार नहीं सकते, रेटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का वो ABCDE शेड्यूल 1 में मतलब दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने के मतलब की नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं, क्लॉजेज हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। और वन पर्सन कंपनी में भी दिया हुआ है कि वन पर्सन कंपनी भाई क्या क्या लिखेगी, तो उस पर्सन का नाम लिखती है अगर सब्सक्राइबर जिसके नाम से वो वन पर्सन कंपनी बनने जा रही है जो उसका असली ओनर है उसकी डेथ हो जाती है इस केस में, या फिर अगर वो इनकैपेसिटी मतलब उसकी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी इंसॉल्वेंट हो जाता है या लूनेंट बन जाता है, तो कौन सा मेंबर होगा जो उसकी जगह लेगा, उस पर्सन का नाम क्या होगा वो इसमें लिखा होता है। इसके साथ साथ उसकी रिटन कंसेंट उसमें होनी चाहिए, यानी साइन भी होना चाहिए उसने उसमें लिखा होगा। तो वन पर्सन कंपनी के लिए थोड़ा सा रूल अलग है, बस यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब ज़्यादा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, या एक चीज़ और दी हुई है कि एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। तो अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं उस पर्सन के नाम में तो बस साइन करने की ज़रूरत है, उसको हम अल्टरेशन नहीं मानते हैं कि हमने मेमोरेंडम का अल्टरेशन कर दिया, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुल मिला के 6 क्लॉज होते हैं, ठीक है। 6 क्लॉज में एक मतलब 5 क्लॉज आपके मेन हैं, छठवां जो है वो उसी चीज़ों के बारे में बताता है। तो पहला सबसे पहला है नेम क्लॉज, दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, फिर है ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, इसके बाद है एक एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो कि वन पर्सन कंपनी के केस में होती है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि नेम क्लॉज में क्या लिखा होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होगा, लाइबिलिटी क्लॉज में क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो नेम क्लॉज सबसे पहले नेम क्लॉज की बात करते हैं हम, तो इसका नेम क्लॉज में आपका लिखा होता है कि आपका जो नाम है, ठीक है, उसके साथ लिमिटेड वर्ड जुड़ रहा है या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जुड़ रहा है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है उसके साथ लास्ट वर्ड कौन सा जुड़ेगा। अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स नेम। अ कंपनी इज़ फ्री टू अडॉप्ट और चूज एनी नेम इट लाइक्स। मतलब कोई भी नाम जो आपको सुटेबल लगता है आप रख सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन लगाई गई कि किसी और कंपनी जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जो अभी रजिस्टर हुई है कंपनी लॉ के थ्रू या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर है, उससे आइडेंटिकल नेम आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ें बोली गई हैं कि उस नाम से कोई ऑफेंस जनरेट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि जैसे कि कोई एग्जाम्पल अगर आप देख लो कि कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिससे पब्लिक को कुछ ऑफेंस जैसा महसूस हो, जो भी इज़ अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अनडिज़ायरेबल, जैसे पाकिस्तान से जुड़ा आपने कुछ नाम रख दिया अपनी कंपनी का, या फिर कोई डिस्प्यूट हुआ था, या फिर पुराने समय में मान लेते हैं जैसे मोहम्मद गजनी को मान लेते हैं, उसके नाम से आपने कंपनी का नाम रख दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे डिज़ायरेबल नहीं समझती वो नाम आप नहीं रख सकते हो। विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, यानी कोई ऐसी कंपनी जिसने उस नाम को रख के कोई ऑफेंस कर दिया हो उसका भी नाम नहीं रख सकते हो, भले ही अब वो वाइंड अप हो गई हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें बोली गई कि मतलब उससे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो राज़ी हो, कोई लोकल अथॉरिटी। और हाँ, ये भी है कि आपकी कंपनी का नाम कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे गवर्नमेंट लिमिटेड, ऐसे नहीं रख सकते हो आप, या फिर हरियाणा लिमिटेड, उत्तर प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहे हो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पैट्रोनेज में वो गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी से जुड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं उसमें दिखना चाहिए कि वो गवर्नमेंट से या मतलब किसी भी तरीके की गवर्नमेंट से कहीं से भी जुड़ी हुई है, यानी वो आपका अपना खुद का नाम होना चाहिए। सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कोई भी जिस पे रोक लगाई गई है वैसा आप नाम नहीं रख सकते हो,
ठीक है, मिसलीड करने वाला नाम नहीं होना चाहिए, ये सारी। तो इसको आप रीडिंग लगा लेना। कुल मिला के ये है कि नेम क्लॉज में आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना है या लिमिटेड वर्ड लगाना है, दोनों में ही पता है कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर हुई है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, अगर पब्लिक कंपनी है आप शेयर ऑफर कर रहे हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे, तो आपको लिमिटेड वर्ड लगाना है, ठीक है। और अगर लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड को चेंज करना होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब हमने कन्वर्जन पढ़ा था लिमिटेड प्राइवेट कंपनी का पब्लिक में, पब्लिक का प्राइवेट में, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें वन पर्सन कंपनी के बारे में कहीं दे रखी हैं, तो ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या कहता है कि भले ही आपको अभी तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला है, देखिए हम सबको पता होता है कि जब हम MOA, AOA ये सारी चीज़ें सबमिट कर देते हैं रजिस्ट्रार के पास, तब जाके हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है। तो उस समय तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है डिसाइड ना हो पाए, ठीक है। तो इस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आपको उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस भी स्टेट में है उसका नाम मेंशन कर देना है। ज़रूरी नहीं कि किस जिले में है, किस जगह में, मोहल्ले में है, ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट मेंशन करने की ज़रूरत है कि किस स्टेट में आप अपना हेड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना चाहते हो, ठीक है। और जब भी आप ये रखोगे, जैसे मान लेते हैं कि आपने MOA में लिख दिया और उसको सबमिट कर दिया रजिस्ट्रार के पास में, बोला गया इट इज़ सफिशियंट टू मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, एक्चुअल एड्रेस इज नॉट मेंशन इन द मेमोरेंडम। तो आपको एक्चुअल एड्रेस नहीं लिखना है कि रोड नंबर ये या ये, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। अ कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड एट ऑल टाइम्स देयर आफ्टर हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस एज मे बी एड्रेस टू इट, ठीक है। तो जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस बना लेना है जहाँ पे आपको जो भी पोस्टल चीज़ें हैं, जो भी आपको कोई पोस्ट करता है या कम्युनिकेशन के लिए जो भी चीज़ है वो आप रिसीव कर सको और आपको एक्नॉलेज की जा सके, चाहे वो फैक्स के थ्रू हो या फिर पोस्ट के थ्रू हो। अ कंपनी शैल फर्निश टू द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड होगा कंपनी को रजिस्ट्रार को वेरीफाई कर देना है कि हाँ उसने जिस स्टेट में लिखा है उसी स्टेट में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है सिचुएटेड है। ये 30 दिन के अंदर आपको करना होगा जब से आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। इसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हमें क्लियर हो गया। इसके बाद है ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक। ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात की जाए तो बोला गया कि ऑब्जेक्ट क्लॉज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, यानी इसी क्लॉज का जब आप उल्लंघन करते हो, जिसको हम कहते हैं फॉलो नहीं करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं अल्ट्रा वायर्स, यानी इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी चीज़ें लिखी हैं अगर उससे बाहर जाके आप कोई भी एक्ट करते हो तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। और इससे जुड़ी एक हमको थ्योरी पढ़नी, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक हमने टॉपिक भी कवर करना है। तो बोला गया एज इट डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस द पावर ऑफ द कंपनी, द पर्पज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज इज टू डिटरमाइन द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले हम अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके मेमोरेंडम को पढ़ेंगे और मेमोरेंडम में सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज देखेंगे कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, एंड टू रेस्ट्रिक्ट द कंपनीज पावर्स टू दोज एक्चुअली कन्फर्ड बाई इट। इसमें लिखा होगा ऑब्जेक्ट क्लॉज का पर्पज क्या है, बोला गया कि टू फोल्ड पर्पज है इसका। फर्स्टली इट प्रोटेक्ट्स द इन्वेस्टर हु लर्न फ्रॉम इट द पर्पज टू विच देयर मनी कैन बी अप्लाइड। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स के लिए ये फायदेमंद है क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करता है, वो जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हम जो भी मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो किस पर्पज के लिए यूज़ की जाएगी। कहीं बहुत रिस्की जगह पे तो कंपनी हमारी पैसे को नहीं इन्वेस्ट कर रही है तो आपको पता चल जाएगा। इट एनश्योर्स दैट देयर मनी विल नॉट बी रिस्क्ड इन एनी बिजनेस विच इज़ नॉट ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम। सेकेंडली इट प्रोटेक्ट्स द क्रेडिटर एंड अदर पर्सन्स हु डील विद द कंपनी एज दे कैन इन्फर फ्रॉम इट द एक्सटेंट ऑफ द कंपनीज पावर्स। सेकेंडली जो क्रेडिटर्स हैं या अदर पर्सन जो भी किसी भी तरीके से कंपनी से डील करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो इन्फर कर सकते हैं, वो जान सकते हैं कि कंपनी की पावर किस एक्सटेंट तक है। और यहाँ पे देखिए यही चीज़ बोली गई, एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर्स कन्फर्ड बाय द मेमोरेंडम विल बी अल्ट्रा वायस, ठीक है। मेमोरेंडम में जो भी चीज़ें लिखी गई उसकी
बियॉन्ड अगर आप कोई भी एक्ट करते हो तो उसे हम अल्ट्रा वायस का नाम देते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंपनी इज फ्री टू चूज इट्स ऑब्जेक्ट्स बट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इलीगल अनलॉफुल अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट। फॉर एग्जाम्पल टू ट्रेड विद एनिमी एटसेट्रा ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ अ कंपनी टू बी रजिस्टर्ड शुड स्टेट द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ। यानी आगे वो क्या क्या बिजनेस कर सकती है ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी हुई हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद आती है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज मीन्स जैसे कि हम देखते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ये सारी चीज़ें। तो लाइबिलिटी क्लॉज में मेनली हम यही लिखते हैं कि जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, यानी जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उसकी फुल्ली पेड अप वैल्यू तक उनकी लाइबिलिटी होगी या मेंबर्स कोई गारंटी दे रहे हैं उस तक होगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दिस क्लॉज स्टेट्स द नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब लिमिटेड कंपनी है या अनलिमिटेड कंपनी, आपको पता होता है। लिमिटेड मतलब किसी के थ्रू जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वाइंड अप के समय उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा लिया जा सकता है क्रेडिटर्स को पे आउट करने के लिए। तो जो पहला पॉइंट है वो लिखा है कि इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें उसकी मेंबर्स की लाइबिलिटी वहीं तक लिमिटेड होगी जितना अमाउंट अभी इन अनपेड है उनके शेयर्स पे। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसके केस में द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ पे दिया कि असेट में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए उसने जितनी गारंटी दे रखी है वाउंड अप के समय वो उतना ही देगा। और टू द कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्व्स, जो भी गारंटी उन्होंने रिटर्न कंसेंट के थ्रू दे रखी है वही तक उनकी लाइबिलिटी बनेगी। लाइबिलिटी क्लॉज के बाद आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या कहता है, आपके कैपिटल की बात करता है कि कितना, मतलब जैसे हम ऑथराइज कैपिटल की बात करते हैं तो कितनी कैपिटल जो है, कितनी कैपिटल के साथ कंपनी शुरू हो रही है और वो अपने टोटल लाइफ टाइम में कितनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। तो और दो तरीके की कंपनी होती है, एक विद शेयर कैपिटल एक विदाउट शेयर कैपिटल। तो दोनों की चीज़ें लिखी जाएंगी इसमें। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड एंड द डिवीजन देयर ऑफ, यानी वो कितनी वैल्यू के शेयर्स में डिवाइडेड है। मान लेते हैं कि हम 10 लाख के जो हैं शेयर्स इशू कर रहे हैं और वो 10 रुपए के शेयर्स एक हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1 लाख जो है वो आपके टोटल शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख के हो जाएंगे। यानी उनका डिवीजन भी उसमें लिखना है ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट एंड नंबर ऑफ शेयर्स विच द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर। मतलब हर एक सब्सक्राइबर को जो भी है उसको 1 शेयर तो कम से कम लेना होगा, वो आधा मतलब प्रपोर्शन में नहीं ले सकता है। द नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड ऑपोजिट हिज नेम, यानी नाम लिखना है और नाम के बगल में लिखना है कि उसने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं। इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी द नेम ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। और 1 पर्सन कंपनी के केस में इसी में लिखा जाएगा कि वो उस पर्सन का नाम जो कि सब्सक्राइबर की डेथ हो जाने के बाद उसका मालिक बनेगा, तो उसका नाम लिख के उसके आगे शेयर्स का नाम मतलब नंबर लिखना है। तो ये थी हमारी कैपिटल क्लॉज, यानी टोटल मिला के इसमें हमारी कितनी शेयर कैपिटल होगी और कितने यूनिट में डिवाइड होंगे वो शेयर्स, ये सारी चीज़ें उनकी पार वैल्यू ये लिखनी है। इसके बाद है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जो कि बोला गया दिस इज द लास्ट क्लॉज गिवन एट द एंड ऑफ मेमोरेंडम। दिस क्लॉज रीड्स लाइक दिस, वी द सेवरल पर्सन्स हुज नेम्स एड्रेस, यानी जो कुछ अभी तक जो 5 क्लॉजेज हमने पढ़ी उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सबका उसमें साइन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं सबका सिग्नेचर होता है, ठीक। तो उसमें लिखा है कि वी द सेवरल पर्सन हुज नेम्स एड्रेस आर सब्सक्राइब्ड आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड वी रिस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी सेट अगेंस्ट आवर रिस्पेक्टिव नेम्स। तो ये बता रहे हैं कि भाई हम इतने लोग हैं, हम एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं और जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिस भी चीज़ के बारे में लिखा है, मतलब कैपिटल और लाइबिलिटी, वो सारी चीज़ों के साथ हम ये कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, हमारा ये नाम है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। 1 पर्सन कंपनी में
बस सेवरल पर्सन की जगह लिखा जाता है आई हुज नेम एंड एड्रेस इज गिवन बिलो आई एम डिजायरस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एग्री टू टेक ऑल द शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो वन पर्सन कंपनी वाला ये लिख देगा. ठीक है, तो ये जो क्लॉज है वो स्टेट करती है जो भी पर्सन है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सिग्नेचर, जो भी सिग्नेटरीज हैं मेमोरेंडम एसोसिएशन की, वो उन सारी चीज़ों से भली भांति वाकिफ हैं और कोई भी इसके अगेंस्ट काम होता है तो वो इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे. इस क्लॉज में यही सारी चीज़ लिखी जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बोली गई है कि पब्लिक कंपनी के केस में मेमोरेंडम कम से कम 17% के थ्रू साइन होना चाहिए और प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 लोग इसको साइन कर रहे हों. ठीक है, तो पब्लिक कंपनी के केस में 17% और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 लोग कम से कम इसको साइन करेंगे, मतलब सिग्नेटरी होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के. तो ये सारी क्लॉजेस थी. अब आगे चलते हैं कि कभी अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ गया. पहली बात तो कभी इसको ऑल्टर करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू, उसी को पढ़ के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, और अगर आप उसमें ऑल्टरेशन करते हो तो सबकी रजामंदी से होना चाहिए. ठीक है, तो जल्दी होता नहीं, लेकिन पहले होता ही नहीं था, फिर ये ज़रूरत समझी गई कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उसमें ऑल्टरेशन करना, तो हमें करना पड़ सकता है. सेक्शन 13 में दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि MOA इज़ द फाउंडेशन ऑन विच द कंपनी इज़ बेस्ड, इट इज़ नॉट अलाउड टू बी चेंज्ड एवरी नाउ एंड देन इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. ठीक है, मतलब अभी या कभी भी शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में यही है कि इसको चेंज ना किया जाए. 1890 तक ये रिगार्ड किया जाता था कि एज एन अनऑल्टरेबल चार्टर ऑफ अ कंपनी, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऐसा माना जाता कि इसमें ऑल्टरेशन नहीं किया जा सकता. हाउ एवर इट वॉज रियलाइज दैट इट वॉज नॉट प्रैक्टिसेबल एज इट रिजल्टेड इन हार्डशिप इन अ नंबर ऑफ जेन्युइन केसेस. बहुत सारे जेन्युइन केसेस ऐसे हो जाते थे जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि इसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते थे. अकॉर्डिंगली द मेमोरेंडम इज अलाउड टू बी ऑल्टर्ड इन सर्टन केसेज इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द एक्ट. तो एक्ट में जो कुछ भी बोला गया उसके हिसाब से, उसके एक्सटेंट तक, उसको कुछ हद तक चेंज करने की बात की गई. सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61 अ कंपनी मे बाई अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन ऑल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम. यानी अब सेक्शन 61 में दिया हुआ है कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मीटिंग में आप इसको ऑल्टर कर सकते हो. तो ऑल्टर क्या करना है इस पे भी डिपेंड करता है. सबसे पहली बात हम करते हैं कि अगर हमें नेम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो कंपनी जो है वो उसका नेम चेंज कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके. ठीक है, और प्रोसीजर क्या होगा, एनी चेंज मेड इन द नेम ऑफ अ कंपनी, जो हमने नेम क्लॉज में पढ़ा है कि ऐसा नाम हम ना रखें जो कि किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम को रिजेंबल करता हो, कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अनडिजायरेबल हो, या ऐसा एक्सप्रेशन या वर्ड हो जो कि किसी तरह से भी उसका कनेक्शन दिखा रहा हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से, जब तक कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती है उस नाम को यूज़ करने की. एनी चेंज इन द नेम ऑफ अ कंपनी शैल नॉट हैव इफेक्ट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग. यानी कोई भी चेंज आप कर दोगे जब तक उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको नहीं मिला है राइटिंग में, तब तक आपके नेम को चेंज हुआ नहीं माना जाएगा. Provided that no such approval shall be necessary, whether the only change in the name of the company is the deletion therefrom or addition thereto of the word private, consequent on the conversion of any one class of companies to another class in accordance with the provision of this act. यानी एक क्लास से दूसरे क्लास में चेंज होने के लिए जैसे बस private हटाना है, उसके लिए उस approval की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो आप convert कर सकते हो. और when any change in the name of a company is made under subsection 2, the registrar shall enter the new name in the register of companies in place of the old name and issue a fresh certificate of incorporation. तो आपको वो certificate of incorporation वापस करना होगा और आपको एक नया certificate of incorporation issue होगा new name के साथ में जो कि आपने change किया है. and the change in the name shall be complete and effective only on the issue of such a certificate. यानी आपने मान लेते हैं नाम आज change किया और उसको सबमिट किया रजिस्ट्रार के पास, जिस दिन आपको वो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा उस दिन से आपका नाम चेंज हुआ माना जाएगा. ठीक, इसके बाद रेटिफिकेशन की बात की गई है कि कैसे कर सकते हैं, ये सब आप पढ़ने की जरूरत नहीं है. पेनाल्टी बोली गई कि अगर आप
नाम चेंज कर देते हो. इफ़ अ कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ 1,000 rupees फॉर एवरी डे. यानी पर डे आपको जब तक आप वो नाम यूज़ करते हो 1,000 rupees देना होगा या फिर 1,00,000 rupees जो भी इसमें से लेस होगा आपको देना होगा. और बोला गया एंड एवरी ऑफिसर हु इज़ इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5,000 rupees. यानी 5,000 तो देना ही देना है और उसको 1,00,000 rupees तक भी बढ़ाया जा सकता है. ठीक, तो सबसे पहले हमने बात की कि नेम क्लॉज में अगर चेंज करना होगा तो हमें क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और नाम जो जो हमने नेम क्लॉज में पढ़ रखा था उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करने वाला होना चाहिए. यानी किसी को डिफॉल्ट करने वाला नहीं होना चाहिए. प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट बनाना है तब आप नेम चेंज करने के लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो नया मिलेगा तब से आपके नेम को चेंज हुआ माना जाएगा. ठीक, इसके बाद बोला गया कि ऑल्टरेशन इज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में अगर चेंज करना है तब क्या किया जाएगा, तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपको विद इन सिटी चेंज करना है, जैसे कि लखनऊ में आपका मान लेते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस है और लखनऊ में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले आपको चेंज करना है, तो इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है. ठीक है, मतलब अगर आपका जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी ROC एक ही है, जैसे जहाँ पे पहले आपका रजिस्टर्ड ऑफिस था उसको भी वही और ROC डील करता था, और जहाँ दूसरा आपने रजिस्टर्ड ऑफिस खोला वहाँ पे भी वही सेम ROC का ज्यूरिडिक्शन है, तो आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है. देखिए बोला गया कि फॉर चेंजिंग ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टाउन और विलेज टू अनदर इन द सेम स्टेट अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय अ कंपनी इज रिक्वायर्ड. ठीक, यहाँ पे बोला गया अ कंपनी कैन चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम सिटी टाउन और विलेज बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यहाँ पे आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू और आपका काम हो जाएगा अगर आपको विद इन सिटी, जो सेम सिटी टाउन या विलेज में चेंज करना है तो. लेकिन अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो लेकिन सेम स्टेट है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. नोटिस ऑफ एवरी चेंज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाइड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 days ऑफ द चेंज. जब आप चेंज कर रहे हो उसके 15 दिन के अंदर में आपको रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर देना है हु शैल रिकॉर्ड द सेम, जिसको उसे रिकॉर्ड करना है. प्रोवाइडेड दैट नो कंपनी शैल चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अनदर रजिस्ट्रार. जो कि हम कह रहे थे कि ROC का ज्यूरिडिक्शन अगर चेंज हो रहा है तब दिक्कत होगी विद इन द सेम स्टेट अनलेस सच चेंज इज कन्फर्म्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ बाय द कंपनी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. तो अगर आपका ज्यूरिडिक्शन भी चेंज हो रहा है तो जो भी रीजनल डायरेक्टर होगा उससे आपको अप्रूवल लेना होगा एप्लीकेशन लिखकर, उससे कंफर्मेशन लेनी होगी. द कंफर्मेशन बाय द रीजनल डायरेक्टर शैल बी कम्युनिकेटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द रीजनल डायरेक्टर ऑफ द टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल फाइल द कंफर्मेशन विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days ऑफ द डेट ऑफ कंफर्मेशन. यानी आपको जब रीजनल डायरेक्टर से कंफर्मेशन मिल जाता है उसके 60 दिन के अंदर उसको आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करना है हु शैल रजिस्टर द सेम एंड सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच कन्फर्मेशन. जब आप उस कन्फर्मेशन को फाइल कर दोगे उसके 30 दिन के अंदर में आपको सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया है. दिस सर्टिफिकेट shall be conclusive evidence that all the requirements of this act with respect to change of registered office have been complied with and the change shall take effect from the date of the certificate. यानी ये जो सर्टिफिकेट है या ये एविडेंस है कि सारी जो भी प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको कंप्लाई कर लिया गया है और जिस दिन सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट से आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज हो गया है. पेनाल्टीज की बात करते हैं, वही पर डे के हिसाब से 1,000 rupees या 1,00,000 rupees तक के आपको फाइन दिया जा सकता है, जो कम होगा वो आपको देना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि वेयर एन अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम शैल रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग द अल्टरेशन शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स
विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी और दोनों ही स्टेट्स के रजिस्ट्रार को आपको उसको सबमिट करना होगा कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक। And the registrar of the state where the registered office is being shifted to shall issue a fresh certificate of incorporation indicating the alteration। और जहाँ पर आप shift कर रहे हो वहाँ का registrar जो है वो आपको एक नया certificate of incorporation जिसमें alteration होगा वो आपको issue कर देगा, ठीक। आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तीनों cases बस याद रखने हैं और उसे mention कर देना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय। इसके बाद है अल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर अल्टरेशन हो करना है हमको तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अ कंपनी कैन चेंज इट्स ऑब्जेक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द मेमोरेंडम्स। पहली बात तो ये है कि उसी पे आपकी कंपनी जो है वो बेस्ड है, वही आपका क्या है नींव है, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। लेकिन किसी किसी केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट को चेंज करना, तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो कर सकते हैं इट्स ऑब्जेक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, यानी ऑब्जेक्टिव्स जो भी आपने लिखे हैं उसी के फर्दरेंस में, यानी उसको और एक्सटेंड कर सकते हो। एंड ऑल्टरेशन शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस एंड द मैनर प्रेस्क्राइब, जो भी मैनर जो भी प्रोविजंस दिए हुए उसी तरह से आप ऑल्टरेशन कर सकते हो। फॉर चेंजिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी हैज़ टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। एवरी चेंज शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम, जो भी वो चेंज किया गया है आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसकी जितनी भी कॉपीज़ इशू हुई होंगी मेमोरेंडम की, एक भी कॉपी बची नहीं रहनी चाहिए। जितनी भी कॉपीज़ आपने इशू की हैं चाहे वो पब्लिक को या फिर अपने इन्वेस्टर्स को, आपके स्टेक होल्डर्स को, सारी कॉपीज़ में वो चेंज हो जाना चाहिए आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है पेनाल्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द कंपनी एंड द ऑफिसर हु इज़ इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू अ पेनाल्टी ऑफ 1000 फॉर एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल इशूड विदाउट सच अल्टरेशन। अगर आपने कोई भी मेमोरेंडम या आर्टिकल उस अल्टरेशन के बिना इशू कर दिया है, हर कॉपी के लिए आपको 1000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा, पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन एंड ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल अलॉन्ग विद प्रिंटेड कॉपी ऑफ न्यू मेमोरेंडम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। आपको एक सर्टिफाइड कॉपी जो कि आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको अप्रूवल का ऑर्डर मिला है वो, और एक प्रिंटेड कॉपी जो आपके न्यू मेमोरेंडम की है उसे आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा। और जो कंपनी ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस के थ्रू मनी रेज कर चुकी है एंड स्टिल हैज़ एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ द मनी सो रेज्ड शैल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट, उसको वो तो चेंज कर ही नहीं सकती। फॉर विच इट रेज द कंपनी थ्रू प्रॉस्पेक्टस अनलेस अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय द कंपनी, जब तक कि वो स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं पास करती है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो कुछ लिख रखा था उसी के बेसिस पे आपने पैसा लिया, उसे इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब आप बीच में ही चेंज कर रहे हो जबकि अभी पूरा पैसा आपने यूटिलाइज नहीं किया है, तो इस वजह से आपको क्या है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना ही पड़ता है। फिर लिखा गया है कि द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर एनी अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन। तो रजिस्ट्रार यही करेगा, उसको रजिस्टर कर लेगा जो भी आपने रेजोल्यूशन पास किया उसमें जो अल्टरेशन करने के लिए लिखा गया। नो अल्टरेशन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल हैव एनी इफेक्ट अंटिल इट हैज़ बिन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तब तक आप उसको रजिस्टर नहीं करा लेते उस अल्टरेशन को, तब तक उस अल्टरेशन को नहीं माना जाएगा, वो इफेक्ट में नहीं आएगा। एनी अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल पपोर्टिंग टू गिव एनी पर्सन अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज देन एज अ मेंबर शैल बी वॉइड। यानी इस तरीके का कोई भी अल्टरेशन आप नहीं कर सकते हो कि प्रॉफिट्स में पार्ट लेना है, या अगर आपने पहले से पर्पस लिख चुका था, क्योंकि जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है और लिमिटेड बाय गारंटी है उसके साथ ऐसा प्रोविज़न अलाउ नहीं होता है। इसके बाद है आपका चेंज इन लाइबिलिटी क्लॉज, अगर आपको लाइबिलिटी क्लॉज में चेंज करना है तो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कैन नॉट बी मेड अनलिमिटेड विदाउट देयर कंसेंट इन राइटिंग। तो अगर आपकी जो लाइबिलिटी है लिमिटेड है तो उसे आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते हो विदाउट
कंसेंट, जो शेयर होल्डर्स की कंसेंट राइटिंग में जब तक आपके पास नहीं है, बाय चेंजिंग द मेमोरेंडम और आर्टिकल अ मेंबर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बाय एडिशनल शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप एडिशनल शेयर्स खरीदो। हाउएवर अ क्लब और एन एसोसिएशन बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल्स कैन रेज द पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ इट्स मेंबर्स इन राइटिंग। क्लब है, कोई एसोसिएशन है, वो ऐसा कर सकता है लेकिन कंपनी नहीं कर सकती। फर्दर लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर कैन बी मेड अनलिमिटेड विद देयर कंसेंट प्रोवाइडेड द आर्टिकल सो प्रोवाइड। अगर आपके आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकते हो, जैसा कि अगर आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है। फर्दर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन बी मेड लिमिटेड बाई पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन अगर अनलिमिटेड कंपनी है, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की, तो उसे लिमिटेड किया जा सकता है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। और यहाँ पे आपको लाइबिलिटी क्लॉज में चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन द अल्टरनेटिव ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी में रजिस्टर इटसेल्फ एज अ लिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी जो है वो लिमिटेड कंपनी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। हाउएवर इट विल नॉट इफेक्ट एनी डेट लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन ऑलरेडी इनकर्ड और कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर सच रजिस्ट्रेशन। लेकिन लिमिटेड कंपनी अगर अनलिमिटेड वाला करेगी तब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कंपनी लॉ हमेशा शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के हित में ही बात करती है। फिर बोला गया कि अल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज, अ कंपनी कैन इंक्रीज, रिड्यूस और रीऑर्गेनाइज इट्स शेयर कैपिटल। यानी जैसे जो 10 रुपए का शेयर था उसको हम 100 का करना चाहते हैं या अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं। बिसाइड इट मे वेरी इट्स शेयर होल्डर्स राइट्स फॉर डिटेल डिस्कशन। यहाँ पर अच्छा बोला गया अल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज कैसे बोला गया। अल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज ऑफ अ कंपनी कैन बी मेड इन नंबर ऑफ वेज। इट शुड बी नोटेड द एटलीट It should be noted at the outset that every alteration in capital does not necessarily require alteration in capital clauses. कोई भी capital में change होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके capital clause में भी change हो रहा है। Share capital of a company may be altered in the following ways. A limited company having a share capital may, if so authorized by its article, alter its memorandum in its general meeting. General meeting में उसको alter किया जा सकता है, increase कर सकती है अपनी authorized share capital जितना भी उसको लग रहा है। Consolidate and divide all or any of its share capital into shares of a larger amount than its existing shares. जैसे 10 रुपए का पहले हमने share issue किया था, एक share 10 रुपए का था, अब उसे हम 100 का कर सकते हैं, 50 का कर सकते हैं, उसको increase कर सकते हैं उसकी par value, ठीक है। कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इंटू स्टॉक एंड रिकन्वर्ट दैट स्टॉक इंटू फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ एनी नॉमिनेशन। जैसे जिस पे आप कोई भी पैसा लेना बाकी नहीं उसे हम स्टॉक का स्टेटस दे देते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। सब डिवाइडेड शेयर्स और एनी ऑफ देम इंटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट, उसको कम भी कर सकते हैं जैसा कि मेमोरेंडम में फिक्स किया गया है। कैंसिल कर सकते हैं शेयर्स विच एट द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन इन दैट बिहाफ have not been taken or agreed to be taken by any person। यानी किसी ने ले नहीं रखे हैं या अभी agree भी नहीं हुआ है लेने के लिए, तो उनको share को cancel भी कर सकता है। and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancel, ठीक, तो उस amount को घटा भी सकता है share जो भी issue किए गए हैं। The cancellation of shares under subsection 1 shall not be deemed to be a reduction of share capital। यानी shares को cancel करना, यानी जो invite किया था public को उसको cancel कर देना, इसको share capital का reduction नहीं माना जाएगा। और जब भी share capital में alteration किया जाएगा तो आपको registrar को notice देना ही देना है, ठीक, और गवर्नमेंट के थ्रू एक ऑर्डर भी लेना है। एन ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल मेड बाय द गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 4 रीड विद सेक्शन सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 62 हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी रिडीम्स एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कोई जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होगा उसको रिडीम करके भी अपनी शेयर कैपिटल को कम कर सकती है। पेनाल्टी भी वही चीज़ बोली गई है कि पनिशेबल होगा 1000 रुपीज़ फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। दोनों में से जो कम होगा वो आपको देना है। कभी कभी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है आपके ऑथराइज शेयर कैपिटल में। ये सब आपके काम की चीज़ नहीं, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बस पता होना चाहिए कि हमें किस क्लॉज में ऑल्टरेशन करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन हमको फॉलो करने होंगे, प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ठीक। ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब इसके बाद देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस।
अभी तक आपको समझ में आ चुका है कि आपकी ऑब्जेक्ट क्लॉज से जुड़ा हुआ है ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, या अगर आपको ब्रॉडली पूछा जाए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही जुड़ा है ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स। ये क्या कहता है कि अ कंपनी कैन डू वॉट एवर इट इज ऑथराइज बाय इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसकी भाई ऑब्जेक्ट क्लॉज जो कहती है वही ऑथराइज है वो करने के लिए। दस अ कंपनी कैन डू वॉट एवर इज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द मेमोरेंडम। कुछ भी कर सकती है जो कि उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन है। इट कैन ऑल्सो डू एनी थिंग इन फर्दरेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी उसको एक्सटेंड करके विच इज़ फेयरली इंसिडेंटल टू और कॉन्सिक्वेंशियल अपॉन द ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम। ठीक है, उससे रिलेटेड उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी कर सकता है, जैसे अ ट्रेडिंग कंपनी हैज़ इम्प्लाइड पावर टू बोरो मनी, ड्रॉ एंड एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। हाउएवर एन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ नो इम्प्लाइड पावर टू ड्रॉ और एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे ट्रेडिंग कंपनी ने लिखा कि हाँ हमको ट्रेड करना है गुड्स का, ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकता है, मनी बोरो कर सकती है वो ट्रेडिंग कंपनी, ड्रॉ कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्योंकि वो एक ट्रेडिंग कंपनी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। तो अल्ट्रावायर्स डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स क्या कहता है, एनी एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम इज कॉल्ड अल्ट्रावायर्स। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड और इन एक्सेस ऑफ, एंड वायर्स मीन्स पावर, पावर के बियॉन्ड अगर आप कोई भी काम करते हो उसे अल्ट्रावायर्स कहते हैं। एनी एक्ट बियॉन्ड और इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। तो इस डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्ट क्या है, इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स एंड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बाय इंश्योरिंग दैट द कंपनी डज नॉट इन्वेस्ट इट्स मनी इन ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी। यानी ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को। जैसा कि आपको पता ही है कि MOA किसके लिए बनाया जाता है, आउटसाइडर से रिलेशन को बताता है। तो अगर आपको लगता है कि कंपनी अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई भी काम कर रही है तो आप उसको स्यू कर सकते हो। यही प्रोटेक्शन देता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स। एन एक्ट अल्ट्रावायर्स द कंपनी कैन नाउ बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स बाय अमेंडिंग द मेमोरेंडम बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन सो एज टू मेक इट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। तो अगर कोई भी काम धोखे से गलती से ऐसा हो जाता है जो कि अल्ट्रावायर्स है कंपनी के, तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो उसको रेटिफाई कर सकते हैं मेमोरेंडम में अल्टरेशन करके, एक स्पेशल रिजोल्यूशन लेकिन उनको पास करना पड़ेगा जिससे कि उस एक्ट के थ्रू कंपनी बाइंड हो जाए। हाउएवर अनलॉफुल एक्ट्स और इलीगल एक्ट्स कैन नॉट बी रेटिफाइड, यानी अगर वो एक्ट ठीक है लेकिन बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी है तो वो किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, उसको बाइंड बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी अनलॉफुल एक्ट या इलीगल एक्ट है उससे रेटिफाई नहीं कर सकते हैं शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल इवन इफ द होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑथराइज द डायरेक्टर टू डू सो। ठीक है, कैपिटल से आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो भले ही पूरी जो शेयर होल्डर्स की बॉडी है उसने ऑथराइजेशन दे दिया हो, उसने परमिशन दे दी हो। ठीक, और बोला गया कि सिमिलरली देयर मे बी सम एक्ट्स विच आर विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट विद इन द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। तो कंपनी के पावर में है लेकिन डायरेक्टर्स की पावर में नहीं है, सच एक्ट्स आर कॉल्ड इंट्रावायर्स द कंपनी बट अल्ट्रावायर्स द डायरेक्टर्स। ठीक है, इंट्रावायर्स है कंपनी के लेकिन डायरेक्टर्स की पावर के अल्ट्रावायर्स है एंड द आर्टिकल रिस्पेक्टिवली। एन एक्ट अल्ट्रावायर्स द डायरेक्टर्स और द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाई ऑल्टरिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, यानी जो इंट्रावायर्स है कंपनी के उस एक्ट को ऑल्टर किया जा सकता है, रेटिफाई किया जा सकता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टर करके। यानी जो आपके इंटरनल लोग हैं, ठीक है, इंटरनल मेंबर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ में अल्टरेशन करना है तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सहारा लेना होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक केस लॉ डिस्कस की गई है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब बोला गया कि इफेक्ट क्या होता है अल्ट्रावायर्स ट्रांजेक्शंस का। ठीक है, इंजंक्शन, इंजंक्शन क्या होता है कि एन अल्ट्रावायर्स एक्ट इज नल एंड वॉइड। कोई भी अल्ट्रावायर एक्ट अगर किया गया कंपनी के थ्रू तो वो नल है, वॉइड है, उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता, उसे एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, द फंड्स ऑफ द कंपनी कैन बी स्पेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम। एज सच इफ द कंपनी प्रपोजेज टू डू समथिंग विच इज अल्ट्रावायर्स द मेमोरेंडम
एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग एन अल्ट्रा वायस एक्ट. तो क्या कर सकती है कि ट्रिब्यूनल को अप्लाई करके उसको रिस्ट्रेन कर सकती है. इसे हम कहते हैं इंजंक्शन ऑर्डर इशू करवा सकती है कि भाई ये कंपनी जो है हमारे पैसे के थ्रू अल्ट्रा वायस काम कर रही है अल्ट्रा वायस का, तो इसको आप रोकिए. इसे हम कह सकते हैं इंजंक्शन. ठीक. फिर पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. कभी कभी क्या है कि अगर डायरेक्टर्स ये जानते हुए कि ये कंपनी के स्कोप के बियॉन्ड है कोई ऐसा एक्शन लेते हैं तो उनके ऊपर पर्सनल केस भी किया जा सकता है, पर्सनल लाइबिलिटी भी उनकी बनाई जा सकती है. इन केस द अल्ट्रा वायस एक्ट हैज़ बीन डन द डायरेक्टर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. क्योंकि कंपनी और जो उसके मेंबर्स हैं उनके बीच में ट्रस्टी का रिलेशनशिप होता है, मतलब ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, उसके लिए उनको पर्सनली लाइबल भी किया जा सकता है. ठीक. सिंस इट वॉज एन अल्ट्रा वायस एक्ट द डायरेक्टर्स वर ऑर्डर टू रिफंड द मनी टू द कंपनी. हाउएवर द शेयर होल्डर हु रिसीव द मनी विद द नॉलेज दैट द पेमेंट टू हिम इज अल्ट्रा वायस इज लाइबल टू इंडेमनीफाई द डायरेक्टर्स. तो अब शेयर होल्डर जो जानते हुए ये कि उसने जो मनी रिसीव की है वो अल्ट्रा वायस है उसका पेमेंट, वो क्या करेगी, डायरेक्टर्स को इंडेमनीफाई करेगा और डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को इंडेमनीफाई करेंगे. लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी. द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के बिहाफ में सारा काम कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं. एज सच इन केस दे एक्सीड देयर अथॉरिटी, अगर वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करते हैं, दे विल बी लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी. ये भी बोला गया. सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. इसके बाद अल्ट्रा वायस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, स्कोप के बियॉन्ड जाके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिए जाएँ, तो उसे इलीगल और अनलॉफुल नेचर के मेड बाई अ कंपनी इज वॉइड एप इनिशियो. वो वॉइड होंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी उनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, उन्हें एनफोर्स नहीं कराया जा सकता. द कंपनी कैन नाइदर स्यू नॉर बी स्यूड ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे ना कंपनी किसी तरीके का केस कर सकती है, ना ही उन कॉन्ट्रैक्ट को करने वाली पार्टीज कंपनी के ऊपर किसी तरीके का केस कर सकती हैं. इसमें भी केस लॉ डिस्कस की गई है. हाँ, ये हो सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है अल्ट्रा वायस है ऑब्जेक्ट क्लॉज के, यानी इलीगल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, बस अल्ट्रा वायस है, तो आप उसको रेटिफाई कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करके स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद. फिर है अल्ट्रा वायस बोरोइंग, यानी कुछ अल्ट्रा वायस जाके अपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अल्ट्रा वायस जाके आपने कोई लोन ले लिया है, ठीक है, तो वो भी आप रिकवर नहीं कर सकते हो, नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कंपनी. हाउएवर इट विल रिजल्ट इन ग्रेट हार्डशिप टू द लेंडर, लेंडर के साथ दिक्कत हो जाएगी. एज सच टू मिटिगेट हिज हार्डशिप इन सच केसेस फॉलोइंग रेमेडी इज अवेलेबल टू द लेंडर. लेंडर क्या करेगा, अगर कंपनी ने कोई ऐसा लोन लिया है तो इंजंक्शन ऑर्डर, रिफंड, ट्रेसिंग ऑर्डर, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें अपना सकता है. इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है. इसके बाद है अल्ट्रा वायस लेंडिंग. अगर कंपनी ने जो है कोई लोन दे दिया है तब क्या होगा, इट कैन बी रिकवर्ड बिकॉज द डेटर कैन नॉट टेक द प्ली दैट द कंपनी हैड नो पावर टू लेंड, ठीक है. तो जो डेटर है आपका, जिससे आपने ये जिसको आपने ये लोन दिया है, वो ये प्ली नहीं कर सकता कि कंपनी जो है वो उसके पास लेंड करने की पावर नहीं है, ठीक है. इसमें अल्ट्रा वायस टॉर्ट्स की बात की गई, जो कि आपके रिलेवेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार. क्या कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी अल्ट्रा वायस टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉयज. अगर उसके एम्प्लॉयज कोई भी अल्ट्रा वायस काम करते हैं जो उस कंपनी के स्कोप के बाहर है, वो उसके लिए लाइबल कंपनी नहीं हो सकती. हाउएवर द कंपनी विल बी लाइबल इन टॉर्ट्स इफ द टॉर्ट इज कमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉयज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट. अगर वो अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हैं और उसके ऑब्जेक्ट के स्कोप में रहते हुए कोई टॉर्ट करते हैं, यानी कोई धोखाधड़ी जिसको कहते हैं, उसके लिए कंपनी को लाइबल करवाया जा सकता है, ठीक. तो ये था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर, जिसमें हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी क्लॉजेज होती हैं और पर्टिकुलर क्लॉज को चेंज करने के लिए, मतलब उसमें ऑल्टरेशन करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये भी हमने देख लिया. इसके साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कवर किया है, और इफेक्ट क्या होता है अल्ट्रा वायर्स का, ये भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं. सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारी क्लॉजेज हैं, और ऑल्टरेशन का भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको नेम क्लॉज में
अल्टरेशन करना है तो क्या करना होगा, डिफरेंट क्लॉजेस के बारे में पूछ के सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, हमारे साथ जुड़े रहेगा इसी तरह। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।